आज का जो केक बनाने वाली हूँ मैं वो एक ब्राइड टू बी का केक है और ये कस्टमर ने मुझे फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया है, सो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये केक करने के लिए कि लाइक उनको केक कैसा लगेगा, क्या लगेगा, मैं इसके डिज़ाइन क्या करूँगी। सो आज का केक बहुत अच्छा होने वाला है। ये कस्टमर ने मुझे ऐसे फ़ोटो भेजा था कि मुझे ऐसे ही सेम केक चाहिए, ऐसे एक पर्पल ऐसे एक डॉल चाहिए केक के ऊपर, तो मैंने केक को पहले डीमोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। सो मैं अभी डीमोल्ड कर रही हूँ केक को। उसके बस डीमोल्ड करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो आप नाइफ जो अंदर से घुमा रहे हैं केक के राउंड में, वो आपको नाइफ की अपोजिट डिरेक्शन से घुमाना है। अगर आप स्ट्रेट घुमाएंगे तो आपका केक कट हो सकता है, सो ये एक ध्यान रखना है आपको। मैंने ट्रोपोलाइट की क्रीम ली है जो यहाँ पे नज़दीक अपने केक शॉप के जो भी इंग्रेडिएंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। सो वो मैंने यहाँ पे अभी बीट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको तब तक बीट करना है जब तक आपका स्टिफ पिक ना आ जाए। वो लास्ट में आपको ना समझ में आता है, जैसे अभी मेरा अभी लास्ट में देखो आप, एंड में मेरा अभी स्टिफ पिक आएगा, इस तरीके से आपको ना स्टिफ पिक आना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गनाच लिया है चॉकलेट एंड क्रीम, ये जो मेल्ट किया है मैंने 2 मिनट के लिए, और मैंने माइक्रोवेव करके उसको मेल्ट किया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट गनाच डाला था बिकॉज थोड़ा अच्छा भी टेस्ट आया और कस्टमर को ज़्यादा ऐसे लगे नहीं कि मीन्स भाई चॉकलेट है ही नहीं केक में, और ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऐसे मीडियम इसमें डाला था गनाच। उसके बाद आपको शुगर सिरप से सोक करके एक एक लेयर ऐसे सब सेट करके लेना है। सब लेयर करने के बाद मैंने वो केक फ्रीज में फ्रीज करने के लिए रख दिया है। अभी मैंने सेकंड क्रीम ली है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने केक रखा है उसको हम लोगों ने क्रम कोट कर लिया, उसे क्रम कोट कहते हैं। उसके बाद सेकंड ये अभी जो क्रीम ली है उसको मैं पूरा केक अभी डेकोरेट करूँगी, उसको अच्छे से मैं फिनिशिंग दूंगी इस तरीके से पैलेट नाइफ से। देखो पहले देखो मैंने क्रम कोट कर लिया है प्रॉपर, वो फ्रिज में रखा था, और अभी मैं इसे प्रॉपर ऐसे फिनिशिंग दूंगी। और ये मैंने ऊपर से ऐसे पैलेट नाइफ टैप किया है, जिस तरीके से ऐसे प्रॉपर ऐसे इसके ऊपर डिज़ाइन आए, देखो अच्छे तरीके से डिज़ाइन दिख रही है, ऐसे आपको टैप करना है। अगर आप पैलेट नाइफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपके पास जो घर पे जो स्पून रहता है नॉर्मल, जिससे हम लोग पोहा वगैरह खाते हैं, वो उससे भी आप कर सकते हैं। ये मैंने एक क्यूट सी डॉल ली है, इसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया। ये भी मार्केट में मिल जाएगी इजीली, 30 या 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, या फिर 10 रुपीज़ में भी मिल जाएगी, जिस तरीके से अकॉर्डिंग आपका एरिया रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है, ली है डॉल। उसके बाद जो बची हुई क्रीम थी वही सेम मैंने यूज़ की है यहाँ पे N1 स्टार नोजल लेके मैंने छोटे छोटे से क्यूट से रोजेस बना रही हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने रोजेस बनाए हैं। और यहाँ पे नीचे बॉटम में एक 1A नोजल मैंने यूज़ किया है, जिससे ऐसे अच्छे अच्छे छोटे छोटे ऐसे डोलप्स बन रहे, देखो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और ये केक को ऐसे राउंड में से पूरे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए है वाइट कलर के स्प्रिंकल्स। एक्चुअली मुझे ना पीच कलर के स्प्रिंकल चाहिए थे बट मुझे वो मार्केट में मिले नहीं, बट इससे मैं केक जो डेकोरेट कर रही थी ना इससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मुझे वाइट कलर के और पीच कलर से ज़्यादा बेटर लग रहे थे, तो फिर मुझे ना मुझे ऐसा लगा कि लाइक अच्छा हुआ कि मुझे वो स्प्रिंकल मिले नहीं और मैंने इससे केक डेकोरेट। अभी स्प्रिंकल से मैं केक को साइड से भी डेकोरेट करके ले रही हूँ। ये आपको ना दूर से स्प्रिंकल डालने हैं साइड पर, अगर आप नज़दीक से डालोगे, और मेक श्योर कि ये केक है ना पहले ना सेट होना चाहिए, उसके बाद आपको इसके स्प्रिंकल इसके ऊपर डालना चाहिए मीन साइड से, नहीं तो अदरवाइज आपकी क्रीम बाहर आ सकती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका केक पूरी तरीके से सेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको केक के ऊपर स्प्रिंकल या जो भी है वो सब कुछ आपको अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए छोटे छोटे से बटरफ्लाई, ये भी मार्केट में मिल जाए। ये मैंने 50 रुपीज़ का पैकेट लिया था, इसमें स्मॉल लार्ज मीडियम ऐसे सब साइज कैसे आपको बटरफ्लाई मिल जाएंगे, उसको आपको इस हिसाब से सेट करना है जैसे आपके केक के ऊपर। बाहर मैंने एक्चुअली स्मॉल सेट किए ताकि केक के बॉक्स को कुछ लगे ना और केक लेके जाने के टाइम पे एकदम इजीली हैंडलिंग हो, इसके लिए मैंने वो अच्छे से मैंने प्रॉपर ऐसे सेट किए हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ, बड़े वाले जो है वैसे अंदर डाल रही हूँ और बाहर छोटे वाले जो ऐसे बाहर करके, तो इस केक ऐसे बहुत अच्छा मीन्स मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा था भाई ये केक। और उसके बाद मैंने ये ग्लिटर लिया है, इसे एक केक को अच्छे तरीके से एक शाइन आती है, थोड़ा सा ऐसे शाइन करता है केक ऐसे। तो मेरे हर एक केक के पे एक ग्लिटर रहता ही है। और उसके बाद मैंने ये ब्राइड टू बी का टैग लिया है, इसको ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कुछ 50 या 60 रुपीज़ का रहता है जैसे अकॉर्डिंग टू आपका एरिया, जैसे अगर आप बॉम्बे साइड जाओगे तो आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डोंबिवली साइड रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये 50 रुपीज़ का मिला, सो इससे भी केक बहुत अच्छा लग रहा था और ये ब्राइड टू बी का केक था। सो ये पूरा ऐसे जो कॉन्सेप्ट था पूरा मैच हो रहा था।
सो आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आगे अलग अलग वीडियो देखते रहे। थैंक